मेला आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफी चरम पे, मतलब मेला का रौनक देखने में बन रहा है। जैसे लग रहा है कि दो साल के बाद सही में दो साल बंद होने के बाद ही मेला खुला है और हुजूम में लोग हुजूम में आ रहे हैं, काफी भीड़ है और प्रशासन को ध्यान देनी पड़ेगी कि प्रशासन की व्यवस्था काफी अच्छी है जो कि काफी कंट्रोल की हुई है। हाँ, पुल वगैरह पे थोड़ा जाम जरूर लग रहा था कि पुल पे जाम एक आधा घंटे की जाम हुई थी, लेकिन मेले की व्यवस्था काफी अच्छी है। अभी हम आपको खड़े हैं स्मॉक बिस्कुट आप देख सकते हैं उधर और यहाँ पे हैं, उनसे चलिए बात करते हैं कि हाँ स्मॉक बिस्कुट क्या होता है। अगर आप आए मेला में तो जरूर खाएं क्योंकि एक हाँ क्या नाम हुआ, शुभ नाम आपका? अमरजीत कुमार नाम हुआ। और क्या मतलब कैसे स्मॉक बिस्कुट होता क्या है और कैसे क्या है? एक नाइट्रोजन है, 96 डिग्री ठंडी रहती है। अच्छा, वही जिससे बोलेंगे क्योंकि मेला का साउंड जो है वो आ रहा है। अमरजीत जी कहाँ से आए हैं आप? मैं पटना से आया हूँ, दिग्गा से आया हूँ। यूट्यूब पे छिटे है वीडियो, इसी के लिए सीक्रेट हमको बताइए कि आखिर होता कैसे है, धुआं में कैसे फॉर्म कर जाता है, खाने के बाद नुकसान तो नहीं होता? कि हाँ, नाइट्रोजन एक फूड नाइट्रोजन है जो ये 196 डिग्री सेल्सियस ठंडी रहती है, तो बिस्किट में जाने में कहीं कोई पदार्थ में जाने में बहुत ठंडी होती है। अच्छा, खाने के बाद वो तो नुकसान नहीं ना करेगा? ये फूड नाइट्रोजन है, ये खाने में जिसके लिए वो उसके लिए बहुत अच्छा, जो नशा नहीं करते हैं वो चाहते हैं बिना नशा का धुआं उड़ाए, तो ये आकर जरूर खा सकते हैं मेरे स्टॉल पे। ये मैं सोनपुर में पहला बार लाया हूँ ये स्टॉल, ये मैं स्मोक बिस्किट में मैं ही पहला है कि पहला बार मैं लगाया हूँ इसमें। इसको नशा से मत जोड़िए, लोग को एंटरटेनमेंट से जोड़िए, लोग आ रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं। अब नशा के बात करके कि धुआं छोड़ना नशा है और ये खाना के नशा मिले, वैसा कुछ नहीं है। लोग आए यहाँ पे और इंटरटेन करें, ये बात बोल दीजिए आप। लोग आए यहाँ पर और इंटरटेनमेंट करें। मैं पहला बार स्टॉल लगाया हूँ इस सोनपुर मेले में, ये फर्स्ट बार यूनिक चीज लगी है, आकर यहाँ एंजॉय करें। तो आपने देखा कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है। चलता है कि बिस्किट खाने से स्मोक निकलता है। अच्छा जी जी, तो ये क्या नुकसान नहीं होता है सर? बिल्कुल नुकसान नहीं इसका, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो नशा नहीं करते हैं और इनका शौक है कि हमें धुआं निकाल, धुआं का छल्ला बना, स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है। बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, सब इंजॉय कर सकता है, हर कोई बच्चा बूढ़ा हर कोई इंजॉय कर सकता है। इसको नशा से मत जोड़े, इसको बोलिए कि इंजॉय मेला का इंजॉय कर। जी जी जी, ये बात बोल, ये मेला का इंजॉय है एक तरह से। और सोनपुर मेले में तो बहुत ज्यादा उभार के सामने आ रहा है, बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं इस चीज को।
वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर Facebook पे देख रहे हैं